मुन्नू उस पुराने बंगले के सामने आम के पेड़ से आम तोड़ने गया था तो वहाँ के मालिक मिस्टर बाटली वाला ने इसे भगा दिया। मेरी नानी आई है, मैं उन्हें वो मीठे मीठे आम खिलाना चाहता था लेकिन वो अंकल कहते हैं ये ट्री मेरा है। उस बंगले में तो कोई नहीं रहता था, फिर मिस्टर बाटली वाला कैसे आ गए? वो अभी कुछ दिनों से आए हैं, वो बंगला उन्होंने खरीदा है। लेकिन वो पेड़ तो बंगले से बाहर है, वो मिस्टर बाटली वाला का कैसे हो सकता है? मैंने सुना है मिस्टर बाटली वाला अभी किसी बच्चे को वहाँ जाने नहीं देता। जिंटू, अब उस पेड़ से मुन्नू की नानी को आम खिलाने का काम तुम ही कर सकते हो। अभी लो। अरे बेटा, तुम इधर क्या करता है? जिंटू, हम ऐसा जादू नहीं कर सकते, जल्दी पेड़ वापस भेजो, लोग देखेंगे तो क्या जवाब देंगे? लगता है मैं सपना देख रहा था, पेड़ तो यही है बाबा। चलो देखते हैं बंटी आम तोड़ पाता है कि नहीं। वाह वाह वाह, इस बार तो बहुत बड़ी आम लगे हैं। ये फेंस किसने बना दी? अब तो ये बंगले के अंदर हो गया। हाँ, ये पेड़ तो बंगले के बाहर था। ए, ये फेंस मैंने बनाई है, ये ट्री मेरा है, और तुम लोग फौरन यहाँ से नहीं गए तो मैं बटरफ्लाई को तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा, समझे? नहीं। ये ट्री हमारा है, हम हर साल यहाँ आम खाते हैं, हम किसी बटरफ्लाई से नहीं डरते। बटरफ्लाई से डरा रहा है। बटरफ्लाई को तो मैं एक हाथ से मसल दूंगा। बटर अरे बटर ऐसा है तो फ्लाई कैसा होगा? अंकल, ये ट्री हमारा है, हम हर साल इसके आम खाते हैं, आपने इस ट्री को अपने बंगले का क्यों कर लिया बताइए? तुम कौन होते हो पूछने वाला? चले जाओ वरना मेरा बटरफ्लाई तुमको भी फ्लाई कर देगा। वो देखो, दोनों वापस आ रहा है। मैं उन्हें अभी दुलाटी मार के भगा देता हूँ। वीर, बचाओ! वीर, हेल्प! जिंटू, हेल्प! थैंक यू जिंटू, थैंक यू वेरी मच। हम हार नहीं मानेंगे, आम तोड़ के ही रहेंगे। मैं चुटकी बजा के सब आम इधर गिरा देता हूँ, वो रखे पेड़ को अपने पास। नहीं जिंटू, अब ये आम की बात नहीं है, ये सही और गलत की लड़ाई है। वो अंकल जो कर रहे हैं वो गलत है और हम उन्हें ये गलत काम नहीं करने देंगे। आज वो हमें रोक रहे हैं, कल वो फुर्सतगंज के किसी बच्चे को ये आम नहीं खाने देंगे। समझा, तुम ही करो जो करना है, अब मेरी मदद मत मांगना। वेरी गुड वीर, अब हम खूब आम खाएंगे।
अब कोई बात नहीं, कुछ और सोचते हैं। वीर, वो मुन्नू के लिए विंग्स बनाए थे ना, उसे लगा के उड़ते हुए जाओ और आम तोड़ लो। यस। ये बच्चे है या मुसीबत, लेकिन मैं भी इन्हें आम तोड़ने नहीं दूंगा। अब आई ना मेरी याद, जब मदद करता हूँ तो कोई खुश नहीं होता। थैंक यू जिंटू। अब मैं जादू से आम तोड़ूं? नहीं नहीं, हम हार नहीं मानेंगे जिंटू। वीर, यस यस इमली। कौन है? कौन इतनी रात को चिल्ला रहा है? कौन इतनी रात चिल्ला रहा है? भूत है, आम खाने आए हैं। अरे क्या हो रहा है? दिन भर बच्चे मेरे आमों के पीछे पड़े रहे, अब रात में भूत आ रहे हैं। तुमसे पहले भी एक आया है, उसी से पूछ लो, वो खाने दे तो खा लो। मैं इन सब बचकानी हरकतों से डरने वाला नहीं हूँ। आपने काट लिया, इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। चलो जल्दी से इन्हें अंदर ले चलो। ओह गॉड, देखो तुम मुझे डॉक्टर के पास लाए हो तो ये मत सोचना कि तुम मेरे आम खा सकते हो। खबरदार जो मेरे आमों को हाथ भी लगाया तो। आप चिंता मत करिए अंकल, हम आपके आम नहीं खाएंगे। वी आर वेरी सॉरी, हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। तुम लोग केक और बुके लाए हो तो ये मत समझना कि तुम मेरे आम खा सकते हो। खबरदार जो मेरे आमों को हाथ भी लगाया तो। चुलबुल, तुम अंकल का इस तरह मजाक मत उड़ाओ, शायद उन्हें बच्चे अच्छे नहीं लगते हैं, इसीलिए वो हमें आम खाने नहीं दे रहे। तो अंदर चले गए, अब इस केक और बुके का क्या करें? केक तो मैं खाऊंगा, बुके चुलबुल को खिला दो। थैंक यू दीका, तुम बच्चे बहुत अच्छे हो। मैंने तुम्हें इतना तंग किया फिर भी तुमने कल रात मेरी मदद की। आज से तुम जब चाहो मेरे बंगले में आ सकते हो और जितना चाहो आम खा सकते हो। ये ट्री मेरा नहीं, ये ट्री हमारा है। ओके, थैंक यू।
डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट है। उसको बताना होगा। मैडमैन। डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट बच नहीं पाएगा। टिम्बकटू, इसमें बैठ जाओ। तुम पानी के अंदर से जाना, और जब प्रेम सहाय का रोबोट सामने हो तो वो रेड बटन दबाना और कहना कि सामने वाले को पकड़ लो। ये रोबोट उसे पकड़ के इसी होल के अंदर ले आएगा, समझ गए? म्याओ, you're genius, boss. You're super duper genius. म्याओ। She is right, boss. She is right. मैं एक रिहर्सल कर लेता हूँ ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। हाँ, ये इसी बटन को दबा के कहना है ना कि सामने वाले को पकड़ लो। यस, यू आर राइट। सामने वाले को पकड़ लो। बचा, छोड़ो मुझे। टिम्बकटू, इसे रोको, रोको इसे। छोड़ो मुझे, रोको इसे। वीर, तुम्हें स्कूबा डाइविंग सूट की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास डीप सी डाइविंग सूट है। ओह, मैं भूल गया दादाजी, डाइविंग सूट ऑन। वीर, इमली का ख्याल रखना। ओके दादाजी, बाय। पीछा छुड़ाना है तो मैं छुड़ा देती हूँ। बिजली, क्या ये इंसान तुम्हें तंग कर रहे हैं? दूं क्या करंट के झटके? नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे दोस्त है, वीर, इमली और चुलबुल। वो देखो, उधर जो तीन लड़के आ रहे हैं ना, उन्हें देना अपने झटके। वरना ये सब इधर भाग
लेके क्यों आ रही है? बॉस, यू आर जीनियस, सुपर डुपर जीनियस। प्रेम सहाय का रोबोट मिल गया। उसे पकड़ के फौरन यहाँ ले आओ। ये तो टिम्बकटू है, किसी रोबोट में बैठ के मुझे पकड़ने आया है। इमली, चुलबुल, तुम लोग भागो फौरन। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं भी नहीं जाऊंगा। तुम क्यों नहीं भाग रहे? तुम्हें भागने से कोई एलर्जी है क्या? इतने बड़े ऑक्टोपस से लड़ना इम्पॉसिबल है। दादाजी कहते हैं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करे उसे ही वीर कहते हैं। इस समय बच के निकलने में ही अकलमंदी है, वरना तुम्हारे दोस्तों की जान को खतरा हो सकता है। मैं तुम्हें बच के निकलने का मौका देती हूँ, जल्दी करो। हमें कुछ करना होगा, वो यही आ रहा है। चिंटू को बुला के लाओ। टिम्बकटू, तुम उन्हें छोड़ दो। हाँ, छोड़ दूंगा अगर तुम चुपचाप मेरे साथ चलो तो। मैं चलने के लिए तैयार हूँ, उन्हें जाने दो। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम? अपने दोस्तों के लिए खुद की जान को खतरे में डाल रहे हो। दुनिया में दोस्तों से बढ़कर कोई नहीं है। अभी जिंटू को ढूंढ के ले आता हूँ। ये देखो महाराज, यहाँ सो रहे हैं। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? गोल्डफिश, तुम हमारी मदद करो। वो ऑक्टोपस मेटल का है, अपनी बिजली को बोलो उसे करंट लगाए। बिजली, मैं अभी जाती हूँ। थैंक यू बिजली। अरे नहीं, ये क्या किया तुमने? इसे ठीक करो। बॉस, मैं फंस गया। हाय, मैं क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा। चिंटू, इस टिम्बकटू को अपने बॉस के पास भेज दो। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दम आदम। ये टिम्बकटू इतना टाइम क्यों ले रहा है? कहां गया ये? ये क्या कर रहे हो? हटाओ, हटाओ मेरे ऊपर से। मैं कहता हूँ हटाओ। बोला बचाओ, बचाओ। म्याऊ, मैं कैसे बचाऊं बॉस? यू आर जीनियस, सुपर डुपर जीनियस।
आप ही बताओ कैसे बचाऊं। म्याऊ। वीर, तुम नाम की ही नहीं सचमुच की वीर हो। इमली ठीक कह रही है वीर, अपना ख्याल रखना और कभी कभी हमसे मिलने भी आया करना। इतनी बड़ी गोल्ड फिश, मैं अभी से पकड़ता हूँ।